चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल स्टूडेंट कैन हेल्प यू। कैसा हैं बच्चे लोग सारे? चलिए जी, हाजिर हूं मैं आप बच्चों के साथ आज कैरियर एंड एजुकेशन न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं आज है मंडे और हर मंडे को मैं आप बच्चों के साथ लाता हूँ कैरियर और एजुकेशन न्यूज, जिसमें हमने पिछले वीक में जितनी भी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स या न्यूज हेडलाइंस रही थी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो इनकेस अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपके लिए हर मंडे को ये वीडियोस देखने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर सारी वो इंपॉर्टेंट अपडेट में डिस्कस करता हूं जो कि पिछले वीक में घटित हुई है या फिर अकर हुई है। राइट, चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली जो अपडेट है, न्यूज है, वो यूपी बोर्ड से है। यूपी बोर्ड 10th एंड 12th कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जो है एग्जाम कंडक्ट करने की डेट जारी कर दी है, रिलीज कर दी है। अक्टूबर 3 और अक्टूबर 4 नियर अबाउट, मतलब 3 तारीख से 2020 से आपके कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन बहुत कम स्टडी कर कैसे आप 90 प्लस ला सकते हैं, प्लीज वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। कंपार्टमेंटल एग्जाम बाय सुनील अधिकारी डालेंगे तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो जो बच्चे अभी कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, वहां पर मैंने सारी वो इंपॉर्टेंट टिप्स दी है जिसके थ्रू आप कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। चलिए सेकंड न्यूज है हमारी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से। बच्चा देखिए, जो बच्चे भी ओपन से स्कूलिंग करना चाहते हैं, प्राइवेट से स्कूलिंग करना चाहते हैं, वो बच्चे अब एडमिशन ले सकते हैं। क्लास 10th और 12th के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। विंडो जो है, एडमिशन विंडो क्लोज हो जाएगी 31 जनवरी 2021 में। राइट, तो अच्छा खासा 3 से 4 महीने का आपके पास टाइम है, आप ओपन स्कूल से भी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर सकते हैं। राइट, तो मैंने आपको ये इन्फॉर्म कर दिया है, प्लीज़ NIOS की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, या वहाँ से आप पता कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने स्कूल्स वगैरह जाकर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। राइट, चलिए थर्ड जो इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है ICSE बोर्ड की आ रही है। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, स्कूल में जाकर आप पता कर सकते हैं, और लास्ट डेट 22 सितंबर है। जी हाँ, कल लास्ट डेट है आपको कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में रजिस्ट्रेशन कराने की। चलिए नेक्स्ट अपडेट आ रही है CBSE कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की, जहां से एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं 10th और 12th के। एग्जामिनेशन आपका 22 सितंबर 2020 कल की डेट में ही, या कल से ही आपके 10th और 12th के जो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं। हो रहा है बच्चों, क्लियर? चलिए अब स्कूल रीओपन से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट आ रही है सामने। देखिए, स्कूल इन हरियाणा टू रीओपन फ्रॉम 21 सितंबर। जी हां, आज की डेट से हरियाणा के जो स्कूल्स हैं 9th से 12वीं तक, 12th तक, वो पार्शियली ओपन हो गए हैं, वॉलंटरी बेसिस पर ओपन हो चुके हैं। खबर उत्तर प्रदेश से है जहां पर कोई प्लान नहीं है 21 सितंबर से स्कूल चालू करने का, क्योंकि कोविड के जो केसेस हैं वहां पर इंक्रीज हो रहे हैं। इसलिए जो CM है, वहाँ के डिप्टी CM हैं, उन्होंने ऐलान करा है कि यूपी के स्कूल फिलहाल के लिए नहीं स्टार्ट होंगे। राइट, चलिए आगे है, गोवा से न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पर भी स्कूल अभी स्टार्ट नहीं होंगे। एज सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, 21 सितंबर से गोवा के स्कूल भी स्टार्ट नहीं होंगे। बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ पर सितंबर 30 तक स्कूल हमारे बंद रहेंगे, तो 21 से स्कूल खुलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। केरला की बात करें, केरला में भी सितंबर और अक्टूबर भी हो सकता है कि स्कूल आपको नहीं खुलने को दिखें। मेघालय में स्कूल खुल गए हैं 21 सितंबर से पार्शली या फिर वॉलंटरी बेसिस पर अपर क्लासेस के लिए 9 से 12 तक। राइट, तमिलनाडु बोर्ड की एक इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है सामने कि तमिलनाडु बोर्ड ने अपना सिलेबस जो है 2020 और 21 सेशन के लिए हर क्लासेस का 40% तक रिड्यूस कर दिया है, जो कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जो भी इस सेशन के बच्चे थे जो कि कोविड की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे और उनको बहुत कुछ पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर 40% तक सिलेबस हमारा रिड्यूस कर दिया गया है। जो अदर स्टेट है उन्होंने भी नियर अबाउट 30% अपना रिड्यूस करा है। प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपके स्कूल ने आपका सिलेबस रिड्यूस करा या नहीं करा, मैं जानने के लिए बहुत एक्साइटेड रहूंगा। राइट, चलिए पंजाब से न्यूज आ रही है, पंजाब रीओपन हो गए हैं 21 सितंबर से, जो पंजाब के स्कूल है पार्शली या वॉलंटरी बेसिस पर रीओपन हो गए हैं अपर क्लासेस 9 टू 12 के। दिल्ली से एक लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है, दिल्ली के स्कूल्स वगैरह बंद रहेंगे अक्टूबर 5 तक। जी हां, लेटेस्ट अपडेट ये आ रही है सामने कि अक्टूबर 5 तक दिल्ली के
हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन मतलब कॉलेजेस वगैरह, हायर जो अपर क्लास इंस्टीट्यूशन है, पीएचडी वगैरह स्कॉलरशिप वगैरह के, वो ओपन हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस अभी के लिए क्लोज हैं, अक्टूबर 5 तक क्लोज रहेंगे, राइट। आंध्र प्रदेश से नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि 21 सितंबर से अलाउ कर दिया है स्टूडेंट को वॉलंटरी बेसिस पर स्कूल आना। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है नागालैंड से, जहां पर 21 सितंबर से स्कूल रीओपन हो गए हैं पार्शली बेसिस पर। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कर्नाटका से, जहां पर स्कूल एंड प्री यूनिवर्सिटी अभी ओपन, कॉलेजेस नॉट टू रीओपन फ्रॉम 21 सितंबर। 21 सितंबर से कॉलेजेस वगैरह, स्कूल वगैरह ओपन नहीं हो रहे हैं कर्नाटका में भी। और जम्मू एंड कश्मीर में जो हैं स्कूल रीओपन हो रहे हैं 21 सितंबर से, वहां पर सिचुएशन थोड़ी ठीक हो गई है, तो उसकी वजह से 21 सितंबर से पार्शली बेसिस पर अपर क्लासेस के लिए स्कूल वहां पर रीओपन हो रहे हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पता लग रहा है कि भाई बहुत से जो स्टेट हैं उन्होंने अभी हामी नहीं भरी, अलाउ नहीं करा है स्कूल्स वगैरह को ओपन करने के लिए, राइट। तो ये मेजर अपडेट थी वेरियस स्टेट और यूनिवर्सिटी से जुड़ी, या फिर उनके ओपन रीओपन की न्यूज़ जितनी भी थी इम्पॉर्टेंट इस वीक की, ये मेजर अपडेट्स थी। उम्मीद कर रहा हूँ नेक्स्ट मंडे को भी आप मेरे साथ जुड़ेंगे, और जितनी भी इम्पॉर्टेंट अपडेट है हम इस वीक की नेक्स्ट मंडे को हम देखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो वैल्यूबल रहा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।